घर में अपनी कमाई का, अपनी जो मेहनत करते हो, जिसमें जो कमाते हो पैसा, उसका दशांश में एक सवा किलो सवा पाव का घर में वेदी हवन कराना चाहिए। अपने पुरोहित पंडित जो आपका कुलगुरु है या जो आपके संत हैं, उसको अपने घर में लगाएं, हवन कराएं। आपके घर में ग्रह दोष भी, जो ग्रह दोष के कारण जो परेशानियां होती हैं, वो ग्रह भी शांत हो जाते हैं और भूतों के राजा क्षेत्रपाल महाराज भी खुश हो जाते हैं। इसलिए क्षेत्रपाल की पूजा भी करा देना चाहिए। पितरों की शांति के लिए नंदी श्राद्ध दत्तादि पंच भूत महायज्ञ में समाहित, उसमें भी हमारे विद्वान लोग कर देते हैं, तो आपके घर में भूत प्रेत भी और ग्रह भी एक वर्ष तक तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं करते। कोई भी व्यक्ति, तंत्र मंत्र कराने वाला व्यक्ति, यदि तुम्हारे घर में कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, यदि घर में आपने क्षेत्रपाल की पूजा करा दी, घर में स्वयं करवा दी और क्षेत्रपाल के लिए आपने डलिया निकलवा दी, उतारा करवा दिया, और आपका जोशी वो क्षेत्रपाल की डलिया को दीप के माध्यम से, चतुर्मुख दीपक के माध्यम से, तांत्रिक विधि से उतारा करके जब अपने चौराहे पर रख देता है, तो मैं गारंटी देता हूं कैसा भी तांत्रिक हो पूजा तंत्र मंत्र करने वाला, उसका तंत्र मंत्र वहीं खत्म हो जाता है और एक वर्ष तक वह आत्मा अंदर प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि सबका अधिकारी है क्षेत्रपाल महाराज। संपूर्ण भूत प्रेत बाधाओं के मालिक हैं क्षेत्रपाल जी। जैसे किसी के घर में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, इनके पास बड़ा बड़ा पैसा होता है, तो वे क्षेत्रीय पहले अधिकारियों से संपर्क साधते हैं, बताइए जी आदमी कैसा है, इस व्यक्ति के पास धन दौलत कैसी है, तो इनकम टैक्स सेल टैक्स के छापे लगते हैं। और यदि आपका टाइम पर आपका टैक्स भरा गया और प्रॉपर आपकी गाइडलाइन ठीक है, तो आपके घर में छापे नहीं लगते। इसी प्रकार से आपने अपने कमाई का दशांश धर्म के कारों में, मंदिरों में, मठों में, बच्चों, गरीब बच्चों के शादियों में, ब्याहों में, बड़े बुजुर्ग जो हमारे वृद्धजन हैं, जो अनाथ हैं, यदि उनको आपने, भूखे को एक टाइम आपने भोजन खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, राहगीर रास्ते में चलने वाले यात्रीजनों को प्रसाद भोजन खिला दिया, तो आपके पूर्वजों को तृप्ति मिलती है। वही दशांश में थोड़ा थोड़ा हर स्थान पर लगाना चाहिए। यानी 100 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 10 रुपए को 10 जगह लगाएगा तो 10 कार सद जाएंगे और कहीं ना कहीं तुम्हारा वो किया हुआ दान काम में आ जाएगा।